मैं महेंद्र बार्मू, दी ओनर ऑफ महेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट। सर दोस्तों, मैं आज बताना चाहता हूँ आपको कि हम आप लोगों को लैपटॉप रिपेयरिंग का ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। और लैपटॉप रिपेयरिंग का ऑनलाइन जो ट्रेनिंग होगा, उस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको डेस्कटॉप, लैपटॉप और उसके साथ साथ मैकबुक का ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो उस ट्रेनिंग में हम आपको चिप लेवल ट्रेनिंग देंगे। दोस्तों, दो तरह का ट्रेनिंग होता है, एक होता है कार्ड लेवल, दूसरा होता है चिप लेवल। कार्ड लेवल का जो ट्रेनिंग है, जिसे असेंबल, डिसअसेंबल इन जैसे चीजों के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन हम आपको जो ट्रेनिंग देंगे दोस्तों, वो चिप लेवल का ट्रेनिंग होगा, जिसमें मदरबोर्ड के ऊपर के जितने भी सारे कंपोनेंट है दोस्तों, इन सारे कंपोनेंट के ऊपर सारे सेक्शंस को आपको स्टेप टू स्टेप कवर करवाया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज भी देंगे, जैसे कि बायोस प्रोग्रामिंग हो, आयो प्रोग्रामिंग हो, इन जैसे सारे चीजों का हम आपको नॉलेज देंगे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कि हम लैपटॉप रिपेयरिंग के सिलेबस में क्या क्या सीखने वाले हैं। सो दोस्तों देखिए, लैपटॉप रिपेयरिंग का जो हमारा सिलेबस है, मैं यहां पे आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं। सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि लैपटॉप रिपेयरिंग का जो मेरा सिलेबस है, ये जो मेरा सिलेबस हम आपको, हमारे इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस हम बता रहे हैं, इसमें हम आपको एडवांस लेवल का चिप लेवल ट्रेनिंग देंगे, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे कि लैपटॉप रिपेयरिंग में, डेस्कटॉप रिपेयरिंग में, जैसे कि लैपटॉप का बोर्ड हो या डेस्कटॉप का बोर्ड हो, या डेस्कटॉप का अगर आप बोर्ड लेते हो या कोई लैपटॉप का बोर्ड लेते हो, तो दोस्तों इन बोर्ड के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा सॉलिड कंपोनेंट्स मिलेंगे। सॉलिड कंपोनेंट को किस तरह से चेक किया जाता है, किस तरह से इन्हें ट्रेसिंग किया जाता है, किस तरह से ये सारे चीजें हम आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में समझाएंगे। इसके साथ पावर सेक्शंस कैसे होते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है, उनका कंसेप्ट क्या होता है, ये आपको इस मॉड्यूल में सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ मदरबोर्ड रिलेटेड चीजें आपको बताई जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको चीजें बताना चाहता हूं कि लैपटॉप का मदरबोर्ड और डेस्कटॉप का मदरबोर्ड, दोनों भी मदरबोर्ड डिफरेंट होता है, और हर मदरबोर्ड का सेक्शंस अलग होता है, ट्रेसिंग अलग होता है। सो दोस्तों, आप देख सकते हो, ये जो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, इसके ऊपर मैं आपको VRM, RAM, USB, साउंड, PS2, साटा, पाटा, ऑडियो, उसके साथ साथ नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ये सारे सेक्शंस के बारे में आपको स्टेप टू स्टेप समझाया जाएगा, और आपको स्कीमेटिक के ऊपर आपको ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। लैपटॉप में भी आप देख सकते हो, OLTIN है, VRM है, RAM है, स्टेप डाउन है, बैटरी सेक्शन है, उसके साथ साथ आपको चार्जिंग सेक्शन है, फैन सेक्शन, क्लॉक सेक्शन, साटा, पाटा, USB, HDMI, ऑडियो, ई साटा, थर्मल सेक्शन, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ग्राफिक सेक्शन, PCS कंसेप्ट, ये सारा चीज आपको इसमें कवर किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको BIOS प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, इसके साथ साथ आपको IO प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, और दोस्तों आपको इसके साथ साथ VGA मशीन्स के बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो बहुत कारगर है। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि VGA मशीन्स के ऊपर ही अभी जाके काम होने वाला है, क्योंकि सारे जो लैपटॉप के मदरबोर्ड है, 9th generation, 10th generation जो मदरबोर्ड है, ये सारे PCH पे काम करते हैं, और PCH को निकालने के लिए, लगाने के लिए आपके पास VGA मशीन्स होना चाहिए, और VGA मशीन का भी ट्रेनिंग आपको इसके अंदर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ, इस क्लास के साथ साथ आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन चीजों का तो ज्ञान दिया ही जाएगा, लेकिन हमारे तरफ से आपको इस कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मैकबुक का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें मैं आपको बोर्ड यू समझाऊंगा, मैकबुक के अंदर आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, जिसके साथ साथ स्कीमेटिक का ज्ञान दिया जाएगा। ये सारे चीजें आपको इस क्लास में कवर अप किया जाएगा। तो क्लास रिलेटेड सारे भी इंफॉर्मेशन है, ये फेसबुक के लिंक में दिया गया है, आप देखिए और कॉन्टेक्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हमारे तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।